मध्य प्रदेश के मौसम समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर रोजाना मौसम अपडेट देखने को मिलेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि आपके जिले का भी मौसम अपडेट हम देख सकें। वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल है तो अंत तक इसे जरूर देखें। आइए जानते हैं 27 और 28 जुलाई को एमपी में मौसम कैसा रहेगा, कहां पर बारिश होगी तो कहां पर बारिश के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर प्रदेश में तापमान कैसा है, कहां पर ज्यादा तापमान है तो कहां पर अभी तापमान में गिरावट दर्ज की गई। आपको बता दें कि प्रदेश के अधिकतर जिलों खजुराहो, ग्वालियर, कटनी, छिंदवाड़ा, रायसेन, टीकमगढ़, दतिया, सिवनी, भोपाल, इंदौर में तापमान जो है वो 30 से 35, 37 डिग्री के बीच में बना हुआ है। यानी कि कहीं जगह पर हल्की ठंडक सी है और कहीं पर ज़्यादा तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है। इसके अलावा बाकी अन्य जिलों में बारिश हो गई है, जिसके चलते तापमान लगातार कम बना हुआ है। कुछ जिलों में तापमान जो है वो 30 डिग्री के नीचे भी पहुँच गया है। अब जानते हैं कि आने वाले दो दिन कहाँ कहाँ पर बारिश होगी। आपको बता दें कि रायसेन, राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, नरसिंहपुर और टीकमगढ़ जिले में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। लेकिन इन जिलों में कहीं कहीं पर ही ज्यादा बारिश होगी। पूरे जिले में पूरी बारिश की संभावना नहीं जताई गई है, यानी कि इन जिलों के कुछ कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। ऐसी स्थिति में लोगों से अपील की गई है कि बरसाती नदी नालों के पास ना जाएं। यदि आपके क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही है तब भी नदी के पास ना जाएं। वहीं मौसम विभाग ने ग्वालियर, चंबल, आगर, नीमच, मंदसौर, टीकमगढ़ संभागों में कहीं कहीं अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। यानी कि यहां पर काफी तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में ग्वालियर, चंबल के जिलों के साथ ही राजगढ़, आगर, नीमच, मंदसौर, टीकमगढ़ जिले में भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो यानी कि ग्वालियर, चंबल, आगर, नीमच, मंदसौर, टीकमगढ़ में रेड अलर्ट और साथ ही अन्य शहरों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना भी बनी हुई है। भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, चंबल संभागों के जिलों में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। रीवा, सागर संभाग के अनेक स्थानों और जबलपुर, शहडोल संभाग में कुछ स्थानों पर बौछारें पड़ सकती हैं। आइए जानते हैं कि कहां पर तेज हवाएं चलेंगी, बिजली गिरने की संभावना है। तो आपको बता दें कि राजगढ़, आगर, नीमच, मंदसौर, टीकमगढ़ जिले में गरज चमक के साथ बारिश होगी। इसके अलावा भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, चंबल संभागों में भी गरज चमक हो सकती है। यानी कि यहां पर तेज बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे सकती है और बिजली भी गिरने की संभावना बनी हुई है। अब जानते हैं कि बीते 24 घंटे में कहां पर बारिश हुई। बीते 24 घंटों में रतलाम में 5 इंच, शाजापुर में 4 इंच, पचमढ़ी, खंडवा और उज्जैन में 2-2 इंच बारिश हुई। इसके साथ ही खरगोन, नौगांव, भोपाल, सागर, धार में 1-1 इंच बारिश हुई और होशंगाबाद, इंदौर, ग्वालियर, गुना, जबलपुर, सीधी, टीकमगढ़, उमरिया, रायसेन, खजुराहो में करीब आधा आधा इंच तक पानी गिर चुका है। मौसम विभाग की माने तो वर्तमान में उत्तरी मध्य प्रदेश के मध्य भाग पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और जो मॉनसून का ट्रफ है वो इसी सिस्टम से होकर त्रिपुरा तक जा रहा है। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के हवा पर भी ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। पूर्वी पश्चिमी ट्रफ गुना के आसपास से होकर गुजर रहा है। कर्नाटक तट से एक अपतटीय ट्रफ बना हुआ है। इसके कारण 5 वेदर सिस्टम अभी मध्य प्रदेश में एक्टिव है, जिसके कारण अभी प्रदेश में बरसात हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक एक निम्न दबाव का क्षेत्र जो है वो चक्रवर्ती एक्टिविटी है और लगातार ये पूर्व पश्चिम ट्रफ लाइन हमारे ऊपर से गुजर रही है। आपको बता दें कि इसी ट्रफ लाइन के कारण लगातार बारिश का जो मौसम है वो बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि 28 जुलाई के आसपास उत्तरी बंगाल की खाड़ी में अन्य निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित होने की संभावना है और इस कारण इस सप्ताह लगातार बारिश होती रहेगी। यानी कि आने वाले जो 2 दिन हैं उसमें मध्य प्रदेश में जमकर बारिश होगी। बाकी सभी जिलों में मौसम पहले की तरह सामान्य रहेगा। हर दिन मौसम से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
साथ ही वीडियो को लाइक कर हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।